इसकी शादी हो रही है, तीसरी शादी। राइटिंग इसकी करेगा शिवम। हाँ तो दो साल बाद होगी वो। दो साल बाद होगी। अरे भाई साहब शादी करने आए हो क्या आप? हम तो बराती है, हम तो खाना खाने आए हैं। तो कार के साथ तो और मजा आ गया। कौन सी कार थी? हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और आज मेरे साथ है शिवम। शिवम और भाई का नाम भूल गया, क्या था? जीनू। जीनू भाई। और आज हम तीनों जा रहे हैं शादी में। मजाक कर रहा हूँ, शादी में नहीं, मेरी शादी हो रही है। इसकी शादी हो रही है, तीसरी शादी। 1930 में ये लॉन्च हुई थी कार, तो विंटेज कार्स है। तो हम आज शूट पे जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कार कैसी है और मैं आपको दिखाऊंगा पूरी वीडियो में कार, और हो सके तो मैं चला के भी दिखाऊंगा, थोड़ा पब्लिक रिएक्शन भी हो जाए, तो देखूंगा। हेड वाली मुझे अच्छी लग रही है काफ़ी ज़्यादा, अंदर से भी आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो आज इस पे शूट होने वाला है अपना। आपने आरआर मूवी में देखी होगी। कौन सी मूवी में? आरआर मूवी। और ये भी तो आरआर ही है। और एक वो खड़ी वो वाली, मुझे तो ज्यादातर हम तीनों को ये ज्यादा अच्छी लग रही है ना। एक चीज दिखाता हूँ। दिखा। अच्छा वो हॉर्न। बस टाइटैनिक में नहीं था ये। ये चीज बड़ा अच्छा लगा भाई। ये हॉर्न इसका जो है बड़ी तेज बजता है। ये व्हाइट वाली में नहीं है हॉर्न, मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाइट वाली इधर खड़ी है। और आउटफिट भी आज उसी के हिसाब का हम पहन के आ रखे हैं। व्हाइट भी बड़ी अच्छी लग रही है, ये शादी के लिए जाती है ऐसे। इसका ये मेरे को बड़ा सही लग रहा है। लोगो देखो उसका, रोल्स रॉयस का भाई, क्या लग रही है। अपनी शादी में जीनू यही वाली करवाएगा, यही वाली अपनी शादी में। दोनों बुक करा दो। दोनों बुक भाई, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। विंटेज कार की बात ही अलग है, मतलब इसमें पूरा प्रीमियम लुक, और अब ऐसी कारों में देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ये पहले की कार है, अब तो एडवांस आ गई है। अरे भाई साहब शादी करने आए हो क्या आप? हाँ यार शूट चल रहा है, शादी नहीं है। शूट चल रहा है, मैं सोचा यार शादी करने आए हो, आपकी जैसी आउटफिट है ना। अच्छा। मैं सोचा दूल्हा है भाई। तो गाइस अभी आ चुके हैं और अभी ये कोट भी निकाल लिया, तो अभी कार की चाबी तो मंगाई है, तो देखते हैं राइड हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बस जब तक एक शूट कर ले, जब तक यहाँ पे मैं सोच रहा था कि इस कार पे ऐसा लुक अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा बस एक लड़की भी होनी चाहिए, तैयार होने जा रखी है बस। उससे ना थोड़ी वो आ जाती है बातचीत, फुल कैड वाली। पता अभी इस पे बहुत अच्छा शूट हो जाएगा, अगर ये इस यहाँ लोकेशन, अगर कहीं और लोकेशन होती ना बहुत अच्छा आ जाता ना। हाँ देखते हैं यार अभी कैसा सीन रहता है। देखो गाइस आप लोग देख सकते हो अमन अंदर बैठ चुका है, अमन बताएगा इस कार के बारे में। यार कार तो बड़ी अच्छी लग रही है अंदर से, बस इसका सीट का थोड़ी प्रॉब्लम है। सीट मतलब ये विंटेज कार है, तो बस यही है कि इसमें ओनर ने कुछ ज़्यादा काम नहीं करा रखा, बस यही कि मेंटेन करके रख रखा है। और हॉर्न इसका चेकआउट कराता हूँ, ये है जो कि बहुत अच्छा हॉर्न है। और भाई इस पर गियर का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो अभी क्लच है ठीक है, ये ब्रेक बड़ी ढीली सी है, लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर। वैसे मुझे लगता है पहले जैसे नॉर्मल है इसमें लिख रखा है। हाँ नॉर्मल ये वन, मुझे लगता है ये ना पहले की जो थी ना, ये नहीं जो पहले की थी तो ऐसी नहीं आ रही थी, पहले शायद पहले दूसरी आ रही थी कुछ, पहले कभी चलाई नहीं ये कार, मतलब पहले की जो विंटेज कार है। अभी जो ये मुझे लगता है इस पे काम करा है ये ओनर ने, थोड़ा चेंज कराया होगा इसका गियर सिस्टम, बाकी मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है ठीक है। अभी दिन के 4 बज चुके हैं, शिवम बहुत लेट आया था। क्या ये दरवाज़ा देख, शिवम का बहुत काम रहता है ना। ये दरवाजा देख लो, बट दरवाजा बहुत अच्छा लगता है डोर में, यहाँ तो राजा महाराजा वाली फील आ रही है ना, बड़ी यार एकदम मजा आ रहा है। कैसी फील आ रही है यहाँ पे जी? राजा महाराजा वाली। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी शादी हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा।
हमारी कतेरी हो रही है भैया की शादी में आया हूँ। हाँ क्योंकि कोट वोट मैंने पहन रखा ना, बराती हम तो बराती है, हम तो खाना खाने आए हैं, खाना खाने आए हैं तो लावाई पहले खाना खाएंगे ना, पहले उसके बाद गिफ्ट देंगे। कवर हटाने के बाद एक राउंड पे जाएंगे फिर एक शूट करेंगे। गाइस इसको मुड़ने में बहुत टाइम लगता है। आप नंबर ले लेना भाई, लेट्स गो। शादी में जा रहे हैं भाई, शादी में जा रहे हैं भाई की। स्पीड बहुत है, अस्सी पार हो जाती है इसकी लंबाई भी बहुत है, लेंथ ज्यादा है, इसकी लंबाई बहुत है। मैंने वही देखा है इसका इंजन, ये जो आगे का जो है ना कितना भाई इतना ज्यादा है कि ऐसे लग रहा है दूसरी कार में लग जाएगा। इसका इंटीरियर पे पूरा वर्क कर रखा है, मैंने देखा ना वुडन कवर आराम से। तो गाइस अपनी शादी में भी मैंने सोच लिया है ये गाड़ी जरूर बुक करवाऊंगा, वो भी हमारे अमन भाई से। कितना कितना लगेगा तो भाई, कितने में पड़ेगी मुझे बुकिंग? भाई ज्यादा नहीं जा सकते, तुम्हें 1.5 लाख पड़ जाएगी। 1.5 लाख? हाँ मैं रात को चल चल कोई नहीं, रेड वाली सस्ती है आपके लिए, रेड वाली दिखाते हैं, रेड वाली भी दिखाते हैं आपको। रेड वाली ना मुझे बाइक वाली से ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इसकी ना चमक बहुत अच्छी है, चमक मारी है। और जब से हम शूट कर रहे हैं ना, जब से हमें बहुत लोग आ रहे हैं और बोलते जा रहे हैं कि भाई अपनी कार में कपड़ा क्यों ढकते, कवर क्यों नहीं मारते। मैंने कहा अपनी कार भाई, मैंने कहा हम शूट ले आ रहे हैं भाई। नहीं नहीं हम लगते हैं ना उनको मालिक जैसे, गाड़ी के मालिक जैसे। तभी शूट कैसे लगा भाई तुम लोगों को? बेकार लगा मुझे तो, बेकार लगा। सारी वीडियो काटते इसके में है, बेकार लगा भाई। डिलीट पा रहे इसकी, क्या कह रहा है मेरा बंदा होकर के मेरे बारे में बोल रहा है ये बंदा। कार इतनी मजेदार है ना, मतलब ही इसमें राइड हमने करी कि मैंने कोट पहना था तो भाई इसका जो गेट देख लो आप, गेट कितना पुराना है। शादी में गई थी गाइस ये, और वेडिंग शूट में जाती रहती है। अगर इसको अगर किसी को वेडिंग शूट कराना है तो मेरे को DM कर देना डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम का मैं यूजर नेम इधर दे दूंगा, या तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो क्या इसका वेडिंग चार्ज है। खैर बात तो वेडिंग चार्ज की नहीं, हम तो बस शूट के लिए आए थे इसमें। और भाई शर्मा के आ जाओ यार, ये भाई शर्मा है यार। इसमें जो पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हो, और ये इसका स्टेयरिंग देखो भाई, मज़ेदार है। इसमें मुझे एक चीज़ की कमी लगती है, वो है कि ये कार बड़ी आसानी से लोग चोरी कर लेंगे, क्योंकि भाई इसमें जो देख सकते हो ओपन है ये कार, ओपन जीप की तरह पूरी, बहुत लंबी है कार। ये वाली जो कार है ना, ये 22 फुट की कार है, 22 फिट की। और वो जो रेड वाली है, रेड वाली आपको दिखाऊंगा, वो 18 फिट की है। और इसको मोड़ने में ना गाइस बहुत मतलब लंबी कटाई मांगता है। तो भाई हमने बहुत आज शूट करा, व्लॉग थोड़ा कम बन पाया है बट स्टिल बन गया है, और एडिटिंग इसकी करेगा शिवम। हाँ तो 2 साल बाद होगी वो 2 साल बाद होगी गाड़ी। तुमने व्लॉग देख लिया होगा, पूरे व्लॉग में हमने गाड़ी दिखाई है, 2 गाड़ी, और एक की रेड और एक वाइट है। और शूट हमारा बहुत अच्छे से हुआ है, बट ये कि थोड़ी धूप चले गई थी, और देख रहे होंगे शक्ल भी अपनी शक्ल पे। और ये हमारे साथ ये नया लड़का आया, तो भाई कैसा लगा आज? मजा आया। पहला एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी तेज बोलो, थोड़ी तेज, थोड़ी तेज। माइक भी यूज नहीं है अभी तो। कार के साथ तो और मजा आ गया। कौन सी कार थी? ये कार थी, ये कार मैं कबूतर वाली, ये कार थी। इसका जो लोग है ना भाई, ये बड़ा प्यारा लग रहा है, खुद देखो, देख सकते हो। और भाई अगर ये ऐसे इलाके में खड़ी हो गई ना, तो ये गायब हो जाएगा इसके पंख के साथ। और इसकी जो राइडिंग थी ना, थोड़ा अच्छे से लेना, फोकस मार अच्छे से। हाँ बहुत बढ़िया, टेक ऑटा थोड़ा। हाँ बहुत बढ़िया, अब सही है थोड़ा, बट ये धूप से लगी थी थोड़ा सा। ये कि आज वेदर है ना, वेदर ने हमें बहुत नाराज कर दिया भाई। डिप्स मार रहा है इसके ऊपर, देख लो महंगी विंटेज कार के ऊपर, ये देखो। शूट बहुत कैसे लगा आज आपको?
मजा आ गया ना। हाँ वैसे यार हम फर्स्ट टाइम मिले भाई से, मैं तो फर्स्ट टाइम मिला, इसका तो दोस्त है शिवम का, और आगे मिलके मुझे बहुत मजा आया। अरे नहीं यार, ऐसा क्या मजा दे दिया देखो हो रहा है। अरे पर यार देख तेरे को कैसे लगा शूट करके? वैसे हम फर्स्ट टाइम ने विंटेज, हमने तो सेकंड टाइम करा है, वहाँ पे भी तो कराए थे एक नोएडा में। माल तो चलता रहता है, हर हफ्ते चलता रहता है यार। अभी ना मतलब ऐसे हमारा, मेरा जो ब्लॉग है ये बड़े सालों बाद आ रहा है, अब पता नहीं एडिट करके कब आएगा, कहाँ घूम रहा है भाई, क्या पता जा रहा है भाई, मतलब अब पता नहीं कब आएगा ये ब्लॉग। थोड़ा सा ऐसे लेना अच्छे से, इसको सिखा रहा हूँ मैं। पहले हम GoPro से लिया करते थे और वो चैनल भी अच्छा चल रहा था, अब माशाल्लाह ये चैनल भी अच्छा चले, है ना। क्या शक्ल देख रहा है, कटिंग तो सही हो रही है, कार बढ़िया लग रही है। यहाँ से एक बार यहाँ से देखो इसका स्पीडोमीटर, ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब इसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की, और इसका फ्यूल गैस दे सकती है ना, और इसमें हेडलाइट्स को ऑपरेट करने का ये रहा, ठीक है, जैसे नॉर्मल कार में होता है। जल्दी चेक करो गाइस, आ रहा मजा, और मैं जो ये मजा ले रहा हूँ मैं आप सभी को देना चाहता हूँ ये मजा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ऐसी विंटेज कार आपके पास भी हो तो हमें बताना जरूर, शूट कराएंगे भाई। कार बढ़िया है, और कहाँ चलना है भाई? भाई उसकी यादों से दूर ही ले जाऊंगी। आवाज आ रही है भाई की, क्या बोल रहा है? क्या बोला भाई? उसकी यादों से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। भाई क्या पी के बैठे हो? भाई मीठा पानी, मीठा पानी भी मीठा, पानी भी मीठा। ये अगर गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपके लिए हम ऐसी वीडियो और लाएंगे। अच्छा भाई बोलने वाला कोई नहीं, सीख जाएगा फर्स्ट टाइम में। अभी पता है क्या, हम व्लॉग हम वैसे बनाते नहीं, हम रील्स वगैरह डालते हैं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वैसे हम रील्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो भाई के इंस्टाग्राम चैनल भी यूज नेम आ जाएंगे, ठीक है। मुझे तो आप लोग जानते ही हो, अश्विनी रॉय। तो गाइस ज्यादा बात नहीं करके वीडियो को एंड करते हैं, और अभी वीडियो शायद लंबी हो गई। आपको कार कैसी लगी? और वीडियो चाहिए इस कार के ऊपर तो हम ले आएंगे आपके ऊपर, आपके ऊपर भाई ये गलत हो जाएगा आपके ऊपर, आपके लिए हम और वीडियो ले आएंगे इस कार के ऊपर, ठीक है, विंटेज कार। और हम जैसे शूट करते हैं ना, अगर आपको उसका एक कोई व्लॉग चाहिए तो उसका व्लॉग भी मैं ले आऊँगा ज़रूर, कि हम कैसे शूट करते हैं वगैरह, ठीक है। तो अभी मेरा कुछ मोटिव नहीं है कि इस चैनल पे और व्लॉग वगैरह कोई डेली व्लॉग डालूं, वो तभी आएगा जब आपका प्यार मिलेगा, तो इस वीडियो पे अच्छे से प्यार जरूर देना। बिल्कुल प्यार देना गाइस, दे प्यार, दिल भी दे देना। तो चलो बाय बाय।